दोस्तों, DD3DS अगर आपका लगा हुआ है और आप एक MPEG 2 बॉक्स यूज करते हैं तो बहुत से यूजर्स का ऑटो स्कैन करने पर सभी चैनल नहीं आते। अगर वो ऑटो स्कैन करते हैं तो हो सकता है उनके पास कुछ ही चैनल मिले और बाकी ना आए। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आप सभी चैनल्स को ऐड कर सकते हैं। मैनुअली आपको ऐड करना होगा, तो किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो आपको मेन्यू का बटन प्रेस करके रिमोट से मेन्यू बटन प्रेस करिए और एडिट प्रोग्राम में आ जाइए। एडिट प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, डिलीट ऑल प्रोग्राम। इसे सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके सभी चैनल डिलीट हो जाएंगे। अब हमें दोबारा फिर मेन्यू का बटन प्रेस करना है और प्रोग्राम सेटअप में चले जाना है। प्रोग्राम सेटअप पर ओके करेंगे तो यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटो स्कैन। अगर आपको ऑटो स्कैन करने से सभी चैनल नहीं आते तो आपको इंडिविजुअली एक एक फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होगा और आपको स्कैन करना होगा। सबसे पहले ऐड न्यू प्रोग्राम पर ओके कीजिए। ऐड न्यू प्रोग्राम पर यहाँ LNB फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए 9750 और दूसरी तरफ 9750। उसके बाद हमें ट्रांस फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। जो ट्रांस फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्हें फॉलो करते जाइए और आपके सभी चैनल आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहली फ्रिक्वेंसी है 11090, इसको डालने के बाद सिंबल रेड डाल दीजिए 29500। फिर पोलैरिटी वी कर दीजिए। जैसे ही आपके वी करने पर सिग्नल आ जाए तो समझ लीजिए आपके चैनल आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके 18 चैनल्स आ जाएंगे। अब वैसे ही आपको दोबारा फिर ऐड न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर दोबारा ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हमें अब ट्रांस फ्रिक्वेंसी दोबारा फिर ऐड करनी है। हमने सबसे पहले डाली थी 11090, अब डालनी है 11170। अगर यहाँ पर ऐसा करने से, केवल ट्रांस फ्रिक्वेंसी चेंज करने से सिग्नल आ जाते हैं तो ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। ओके का बटन प्रेस करने के बाद दोबारा फिर 18 चैनल ऐड हो जाएंगे। तीसरी फ्रिक्वेंसी को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू प्रोग्राम में जाइए, दोबारा फिर ट्रांस फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दीजिए। अब की बार हम करेंगे 11470। ऐसे ही आपके यहाँ पर सिग्नल आ जाने चाहिए और अगर सिग्नल आ गए तो ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। 18 चैनल यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। 18 चैनल आने के बाद अब हम चौथी फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, दोबारा ऐड न्यू प्रोग्राम में और फिर ट्रांस फ्रिक्वेंसी पर आ जाएंगे। अब की बार हम यहाँ पर डालेंगे 11510 और अब फिर सिग्नल आ गए तो ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो अब की बार भी हमारे 20 चैनल आ जाएंगे। 20 चैनल आ चुके हैं। अब हमारी अगली फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। दोबारा फिर ऐड न्यू प्रोग्राम पर ओके कीजिए और ट्रांस फ्रिक्वेंसी पर आ जाइए। ट्रांस फ्रिक्वेंसी पर इस बार हम डालेंगे 11550 और फिर और यहाँ पर सिग्नल चेक कीजिए। अगर सिग्नल है तो ओके का बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही ओके का बटन प्रेस करेंगे तो सभी चैनल 20 आ जाएंगे। तो आपकी चैनल लिस्ट में जितने MPEG-2 बॉक्स में चैनल आने चाहिए DD3DS के आ चुके हैं। अब एग्जिट का बटन प्रेस करके आ जाइए होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 94 चैनल आ चुके हैं। 94 ही चैनल आपको मिलेंगे, बाकी जो चैनल्स हैं वो दूरदर्शन के एजुकेशनल चैनल हैं। इसके साथ ही अगर आपको और चैनल जी के देखने चाहते हैं, जी के रीजनल चैनल से डिश टीवी की तरफ से आपको फ्री टू एयर मिल रहे हैं। अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो दोबारा फिर आपको क्या करना होगा, मेनू का बटन प्रेस कीजिए। मेनू का बटन प्रेस करने के बाद प्रोग्राम सेटअप में आ जाना है। यहाँ पर दोबारा फिर ऐड न्यू प्रोग्राम में जाइए। यहाँ दोबारा फिर ट्रांस फ्रिक्वेंसी पर आ जाइए। ट्रांस फ्रिक्वेंसी पर आने के बाद फ्रिक्वेंसी को आप ध्यान से देखना है, 11460। इस प्रकार लिखने के बाद यहाँ थोड़ा सा सिंबल रेट में चेंज करना होगा। यहाँ पर लिखना होगा 12500 और उसके बाद पोलैरिटी को एच कर दीजिए। जैसे सिग्नल आ जाए ओके का बटन प्रेस करेंगे और आपके जी के 9 चैनल और ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 9 चैनल आ चुके हैं। अब आपके 103 चैनल टोटल हो चुके हैं। तो DD3DS के इस प्रकार चैनल आप अपने सेटअप बॉक्स में सेटिंग करके ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए।